अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिखा रही हूँ सूफले बनाना, पोटैटो सूफले बनाना सिखा रही हूँ आज मैं आपको। उम्मीद है आप ज़रूर पसंद करेंगे और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे पास चार बड़े आलू हैं, बेकिंग पोटैटो चार हैं। इनको मैंने क्या करना है कि इनको मैंने फोक से प्रिक करना है, ऐसे ऐसे दोनों साइडों, चारों तरफ से, बल्कि चारों तरफ से फ्रिक ऐसे करना, फ्रिक करके फिर इसको चारों तरफ तेल लगा के इसको मैं 1 घंटे के लिए ओवन में डालूंगी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मेरा जो ओवन है वो है फैन ओवन, लेकिन आप अपने ओवन के मुताबिक आप रखें। इसमें ये मेरे पास 2 अंडे हैं जो मैं इनमें इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास 50 ग्राम चीज़ है, मैंने इस्तेमाल किया एक जो टिन है ट्यूना, ट्यूना टिन जो है वो मैंने फ्लेक फ्लेक हुआ वाली है, ब्राइन में, ये पानी में, ऑयल में नहीं है, पानी में है, ब्राइन में, नमकीन पानी में। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, 4 टेबलस्पून मेरे पास फुल फैट मिल्क है, मेरे पास मसाले हैं 1 टीस्पून मेरे पास है चाट मसाला, 1 टीस्पून मेरे पास है नमक, 1/4 टीस्पून मेरे पास है ब्लैक एंड व्हाइट पेपर जो मैंने मिक्स करके, वो 1/4 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने लिए जो रेड फ्लेक मिर्चें जो हैं वो लिए हैं, 50 ग्राम मेरे पास बटर है, मेरे पास 4 टेबलस्पून जो है टिन के छलियों के दाने हैं। आप जो फ्रेश वाले भी बॉईल करके, फ्रेश छली को बॉईल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने टिन इस्तेमाल किया है। मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो लेमन के छिलके हैं, 1/4 कप मेरे पास है प्याज के ग्रीन वाले जो पीछे होते, प्याज फ्रेश प्याज जो होता है उसके, और 1/4 कप से मेरे पास थोड़े हैं धनिया। ये देखिए मैंने पूरा 1 घंटा रखा है ओवन में। ओवन में घंटा रखने के बाद अब मैंने 20 मिनट हो गए इसे रखा मैंने सरफेस पे ठंडा होने के लिए। अब मैंने क्या करना है, इसके इस तरह स्लाइसेस एक एक आलू के दो दो करने हैं और इसमें से आलू का सारा गूदा निकाल लेना है और दूसरे बाउल में डाल के इसको मैंने मैश करना है। मीनवाइल मैंने जो ये 2 अंडे रखे थे इसकी मैंने सफ़ेदी सेपरेट कर दी है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छी तरीके से फेंटूंगी, जब फ्लफ हो जाएगा फिर मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगी। और ये मैंने एग की जर्दी जो है वो लैदा रखी है। ये देखें अब जो मैंने आलू जो उनसे मैं दो दो हिस्से करके एम्प्टी किए हैं सारे, देखा ये शलकटोरी जैसी बन गई है, उसका सारा गूदा मैंने यहाँ डाला है। और मैंने जो बटर और तेल थोड़ा गर्म किया क्योंकि हमने इसमें डालना है, और मैंने फिश जो है ना उसका मैंने सारा पानी निचोड़ कर उसको फोक की मदद से छोटा छोटा कर लिया है। अब मैंने आलू जो उनसे मैश करने हैं अच्छी तरीके से और मैश करने, और मैंने हाँ साइड पहले ये आपको बता दूँ, ये देखें जो सफ़ेदी अंडे की रखी थी उसको मैंने ऐसे, देखा ये ऐसी होना चाहिए जो आपने, आपको पता चले कि आप कटोरे से गिर नहीं रही है, इस बॉल से गिर नहीं रही है। और मैं अब जब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाएगा, ये सब चीज़ें दूध और जितनी चीज़ें हैं ना यहाँ पे रखी हुई ये सब चीज़ें मैं बटर समेत मैं इसमें डालूँ, मसाले हर चीज़ डालकर फिर मैं आपको बताती हूँ इसका दूसरी स्टेप। ये देखें सब इंग्रेडिएंट मैंने डाल के मिक्स कर दिए हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ ग्रेट की है ताकि इनके जब मैं डालूंगी आलू के शेल में तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ लगा दूंगी। अब मैंने ये जो है ना हाँ सब वो जो पहले थी वो सब डाल दी इसमें ना, फिर मैंने दोबारा ये ग्रेट करके रखी जो हमें ऊपर भी डालनी है थोड़ी सी, मुझे याद नहीं रही थी पहले करने ग्रेट टॉपिंग। अब ये चीज़ ये मिक्सचर जो है मैं इसमें एग वाइट में डालने लगी, बिस्मिल्लाह अपने हार्ड वाला चम्मच जैसे मैंने सारा थोड़ा सा मैं आई थिंक आधा डाल लूँ ना फिर मैं आधे में क्योंकि मुश्किल हो जाएगा। ये बिस्मिल्लाह ये थोड़ा ढीला हो जाएगा, जब मैंने मिक्स किया थोड़ा ढीला हो जाएगा ना, आराम आराम से इसे जो है बीच में मिक्स करना है बड़े आराम से। ये जब थोड़ा हो जाएगा फिर मैं वो दूसरा रेस्ट अब डालती हूँ उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि शेल में किस तरह फिलिंग करनी है। ये देखें अब मैंने पोटैटो जो है अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिए हैं एग वाइट में, सब कुछ मिक्सर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसे बताती हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
अब ये देखें, बिस्मिल्लाह, आपको ऐसे फिलिंग करनी है, बिस्मिल्लाह। अब उतनी डाल दी जितना ये अच्छी तरीके से भर जाए, भर के जो एक्स्ट्रा बचेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो मैं छोटी डिश में डाल के वो लहदा से बना लूँगी। बच्चे इंशाल्लाह आप ज़रूर लाइक करेंगे, बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे लाइट सा लंच। अब मैं इनके थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, नहीं तो जब वो गर्म होगी तो निकलना शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। देखिए ये देखें, अब मैं दोबारा दूसरों को भी फिल करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब मेरी फिलिंग जिन से मैंने करनी थी उन आलू के शेल में, वो सारे मैंने कर लिए, चीज़ भी लगा दी है। जो बचा आलू का मैश, वो मैंने छोटी डिश में डाल के ऊपर कर दी, ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप ज़रूर ला कर, अब मैं इसे 170 डिग्री में 15 या 20 मिनट के लिए दोबारा ओवन में रखूँगी, और फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर लाइक करेंगे ये मेरी रेसिपी। ये देखें, मैंने 20 मिनट के लिए रखे थे, देखें अब सुरख होगी, चीज़ भी मेल्ट होगी, सुरख होगी। ये देखें, छोटे सूफले पोटैटो इसे कहते हैं, और ये जो थोड़ा सा बचा था इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है। अच्छा, मैंने चिकन भी बना लिया है, और अब मैं आपको, मैंने चटनी तो मैंने बना कर रखी हुई थी, ग्रीन चटनी, आई एम श्योर सबको ही आती होगी। अब मैं डिश आउट करके देती हूँ आपको, और देखना फिर आप। Okay, so I'm going to taste it, inshallah. आपकी प्लेट तैयार है, देखिए अब। Oh, it looks really nice. The color is so nice. Tastes nice as well. It's like a fancy jacket potato. Souffle potato. Souffle. Souffle. Oh yeah, because it's got a line in it here. Bismillah. Mashallah. Really soft and light, fluffy. Taste kaisi hai? The taste is nice as well. I can taste the tuna and all of the things you put inside it. It's really delicious, mashallah. I'm glad aapne like kiya. Do you want a taste? De mujhe bhi. Bismillah. Very nice. Main khud hi apni tareef kar rahi hu. नाज़रीन, जब आप खाएंगे तो आपको पता चला मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ। तो ये मैंने आपके लिए डिश बनाई है, सूफले पोटैटो। उम्मीद है आप ज़रूर लाइक करेंगे, एंजॉय करेंगे, और मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट लिख सकते हैं मेरे लिए, और उम्मीद है कि आप सब जो हैं हमें दुआओं में याद रखेंगे, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।